फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जीएसटीआर 3B से रिलेटेड जो क्लेरिफिकेशंस आए हैं कि अब आपको केयरफुली जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 भरना है, सो दैट गवर्नमेंट के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो उसके रिगार्डिंग जो सर्कुलर इशू हुआ है, उस सर्कुलर को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। ये जो सर्कुलर है, जो जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 के करेक्शन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, ये सर्कुलर नंबर है 170/02। इसमें बताया गया है कि अब से आपको जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 में जो हम इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी बट कोई भी नहीं फिल करता था, उसको फिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जो स्टेट को एलोकेशन होता है, सेंट्रल एंड स्टेट को एलोकेशन होता है जीएसटी अमाउंट का, वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको जो रिटर्न फाइलर्स हैं वो नहीं ठीक से भरते थे, वो है इंटर स्टेट सप्लाइज एंड अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल और ब्लॉक इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्सल देयर ऑफ इन रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B एंड स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 1। तो हम अभी क्या देखेंगे कि क्या किन दो बातों की बात करें, एक तो आपको सप्लाइज के बारे में बताना है एंड ITC से रिलेटेड बताना है। GSTR 3B में इंटर स्टेट सप्लाईज जब हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं, या फिर ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं जिनने कॉम्पोजिशन डीलर स्कीम को ऑप्ट करा है, या फिर UIN होल्डर है, अगर ऐसे पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई करें, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई हो रही है, आप रजिस्टर्ड पर्सन है, दूसरे स्टेट में आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, या ऐसे पर्सन को कर रहे हैं जिनने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करा है, या UIN होल्डर है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जीएसटीआर 3B में एक इंफॉर्मेशन 3.2 टेबल पे ही जाती थी। जनरली ये टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पुट करता, क्योंकि जो 3.1 है उसमें टैक्सेबल सप्लाई चली जाती है तो आपका जीएसटी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है, बट 3.2 में इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हमें बताना पड़ता है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया है, कॉम्पोजिशन डीलर को किया है, या UIN होल्डर को किया है, ये बताना पड़ता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 3.2 टेबल जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, इसलिए इसमें कोई भी जनरली नहीं बताता है। इसके कारण क्या है, जब गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है जीएसटी रेवेन्यू का, तो इसमें दिक्कत हो रही है, और जो प्रॉपर जिस स्टेट को रेवेन्यू एलोकेट होना चाहिए वो एलोकेशन नहीं हो पा रहा, कोई इंफॉर्मेशन बताता भी है तो गलत प्लेस ऑफ सप्लाई बता देता है। तो इसी से रिलेटेड आया है पहला। दूसरा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट इनएलिजिबल है या ब्लॉक्ड है एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी, तो आपको इनएलिजिबल और ब्लॉक में बताना है, और अगर कोई ITC जिसका रिवर्सल होना है तो वो भी प्रॉपर तरीके से बताना है। अभी क्या है, सारी चीजें ऑटो पॉपुलेट हो जाती है जीएसटीआर 2B से, तो जो ITC दिख रहा है वो ले लेते हैं, बट जो प्रोविजन के हिसाब से इनएलिजिबल है, जैसे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जितने बताए गए हैं इनपुट, वो इनएलिजिबल है, या फिर अगर आपकी सप्लाईज ऐसी है कि जो टैक्सेबल भी और कुछ एग्जेम भी है, तो आपको प्रोपोर्शनेट ही क्रेडिट लेना है, बाकी का रिवर्सल करना है। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये जीएसटी एक्ट में तो लिखे हैं, बट 3B में कोई भी कंप्लाई नहीं करता है, तो इसको भी कंप्लाई करना जरूरी है। तो अब हम सर्कुलर में आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग हैज बीन सिंप्लीफाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 20। जीएसटीआर 3B इज गेटिंग ऑटो जनरेटेड ऑन द पोर्टल बाय वे ऑफ ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC फ्रॉम जीएसटीआर 2B।
एंड ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम जीएसटीआर वन. अभी हम देख रहे हैं ग्रेजुअली जो हमारे रिटर्न है, जीएसटीआर वन की बात करें या थ्री बी की बात करें, बहुत सिंप्लीफाइड हो रहे हैं क्योंकि सब कुछ ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं. पर इसमें आपको जो अमाउंट चेक करना है ये आपके ऊपर है कि आपको सही आईटीसी क्लेम करना है. इसको आप कैसे फॉलो करेंगे प्रोसीजर को, ये भी सर्कुलर में एक्सप्लेन किया गया है. However, it has been observed that there are still some infirmities in information being furnished by registered person in relation to interstate supply affected to unregistered person or registered person paying tax under section 10, composition dealer hain jo and UIN holder hain. Isse related jo information hai ye proper tarike se nahi submit hoti hai. Also, there appears to be lack of clarity regarding reporting of information about reversal of ITC. जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं उनको अब जीएसटी की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जिनको जीएसटी की नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से आईटीसी है जो एलिजिबल है, कौन कौन से ब्लॉक है, कब आपको रिवर्सल करना है, तो वो अगर जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बहुत समस्या का कारण है क्लाइंट को. तो अगर आपकी जीएसटी नॉलेज को अपडेट करना है तो आप फौरन अपडेट कर लें. It is desirable that correct reporting of information is done by registered person in GSTR 3B and GSTR 1 so as to ensure correct accountal and accurate settlement of funds between center and state government. जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसी के बेसिस पे IGST and CGST SGST का एलोकेशन होता है between central and state government. Accordingly, in order to ensure uniformity in return filing, the board, in exercise of its power conferred under section 1, subsection 1 of section 168 of CGST Act, hereby clarifies various issues in succeeding paragraphs. So, ab hum ek ek karke issues dekhenge. Furnishing of information regarding interstate supply made to unregistered person, composition taxable and UIN holder. इसमें जो इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 3B में जाती है इन पर्सन से रिलेटेड, ये टेबल 3.2 में जाती है. और जो ऑटो पॉपुलेट होते हैं जीएसटीआर 1 से फिगर, वो टेबल 3.1 में जाते हैं. तो इसलिए जनरली 3.2 स्किप हो जाता है फिल करना, जबकि प्रॉपरली अगर जीएसटीआर 3B फिल करे तो टेबल 3.2 को भी आपको फिल करना है. ये भले इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, बट सही पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड किनको आपने सेल किया है ये बताना जरूरी है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मे बी नोटेड दैट द इंफॉर्मेशन सॉर्ट इन टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज, इवन दो द डिटेल ऑफ सेट सप्लाई आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ सप्लाई डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.1 ऑफ दिस सेट फॉर्म. For assisting the registered person, table 3.2 of GSTR 3B is being auto-populated on the portal based on details furnished by them in their GSTR 1. Recently, हमने अगर देखा होगा तो GSTR 1 के basis पे table 3.2 भी auto-populate होता है. जब आप वहां पर unregistered person को आपने कितना sell किया है ये information put करते हैं और वहां पर point of sale बताते हैं तो वो ऑटो पॉपुलेट होता है टेबल 3.2 में. बट उसको आपको वेरीफाई करना है एंड प्रॉपर तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज डिफरेंशिएट करना है, अनरजिस्टर्ड को कितना, कॉम्पोजिशन डीलर्स को कितना और UIN होल्डर को कितना. तो उसके लिए उनने प्रोसीजर भी बताया कि आप क्या फॉलो कर सकते हैं सो दैट आप प्रॉपरली जीएसटीआर 3B फाइल कर पाए. तो जो प्रोसीजर है इसमें आपको इंटरस्टेट सप्लाईज पे ध्यान देना है. जितनी भी आपकी इंटरस्टेट सप्लाई, जितनी भी आपने आप जहां जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है और दूसरे स्टेट को सप्लाई करे हैं उसमें से अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितना सप्लाई किया है. शैल ऑल्सो रिपोर्ट द डिटेल ऑफ सच सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज. ये इंफॉर्मेशन अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो आपने सप्लाई किया है वो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज डिस्क्लोज करना है. एंड टेबल 7B और टेबल 5 और टेबल 9-10 ऑफ जीएसटीआर 1, जब आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको टेबल 7B में इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है जो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर टेबल 3.2 जीएसटीआर 3B में फिल हो जाएगी. अगर कोई कॉम्पोजिशन डीलर को आप
सप्लाई कर रहे हैं या यूआईएन होल्डर को कर रहे हैं, तो सेम आपको प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज ही शो करना है. हर स्टेट की डिफरेंट इंफॉर्मेशन देनी है इन टेबल 3.2 एंड टेबल 4A और 4C और 9 ऑफ GSTR 1. थर्ड उन्हें बताया, शैल अपडेट देयर कस्टमर डेटाबेस प्रॉपरली विद करेक्ट स्टेट नेम एंड इंश्योर करेक्ट पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस एंड इन टेबल 3.2. जब आप टैक्स इनवॉइस जनरेट करें तब आप अगर प्लेस ऑफ सप्लाई सही कोड करेंगे तो जो आपके कस्टमर डेटाबेस है वो करेक्ट बनेगी, तो आपकी जो GSTR 3B और GSTR 1 है वो भी सही जाएगी. तो जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पर गुड्स या सर्विसेज जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहे हैं उसी स्टेट को रेवेन्यू का बेनिफिट मिलना चाहिए. इट इज फर्दर एडवाइज दैट एनी अमेंडमेंट कैरीड आउट इन टेबल 9 और टेबल 10 ऑफ GSTR 1 और एनी एंट्री इन टेबल 11 ऑफ GSTR 1 रिलेटिंग टू सच सप्लाई शुड ऑल्सो बी गिवन इफेक्ट टू वाइल रिपोर्टिंग द फिगर इन टेबल 3.2 ऑफ GSTR 3B. GSTR 1 जब आप फाइल करें तो आपको टेबल 9, टेबल 10 एंड टेबल 11 का ध्यान रखना है. जब आप ये ध्यान रखेंगे तो GSTR 3 में टेबल 3.2 ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ITC अवेल्ड. अभी तक हमने सप्लाईज की बात करी, तो सप्लाईज में आपको क्या ध्यान देना है, इंटर स्टेट सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, कॉम्पोजिशन डीलर को है, UIN, ये मैंडेटरी है अब इन्फॉर्म करना. ITC से रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है, आप जितना अवेल कर रहे हो, जितना रिवर्सल कर रहे हो और जो इनएलिजिबल ITC, इसको आप प्रॉपर तरीके से टेबल 4 में डिस्क्लोज कर रहे हैं. टेबल 4A ऑफ GSTR 3B इज गेटिंग ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम वेरियस एंट्रीज ऑफ GSTR 2B. हाउएवर वेरियस रिवर्सल ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ रूल 42 एंड 43 ऑफ CGST रूल्स और फॉर एनी अदर रीजन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन हिज ओन एसर्टेनमेंट. In table 4B of the said form, it has been observed that different practices are being followed to report ineligible ITC as well as various reversal of ITC in GSTR 3B. It may be noted that the amount of net ITC available as per table 4C of GSTR 3B gets credited to electronic credit ledger of the registered person. Therefore, it is important that any reversal of ITC or any ITC which is ineligible under any provision of CGST Act should not be part of net ITC available in table 4C and accordingly should not get credited into electronic credit ledger of the registered person. Agar isko hum samjhe ki ye kya bol rahe hain, to जब हम GSTR 3B की बात करें तो वहां पर जो 4 है, टेबल नंबर 4, ये ITC से रिलेटेड बात करता है. इसमें तीन पार्ट है, A, B, C. ए में आपके सारे रिवर्सल्स आते हैं, इनएलिजिबल क्रेडिट्स आते हैं और जो नेट ITC है ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके पोस्ट हो जाता है. तो जब ITC GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है तो जो अमाउंट है, अगर आप रिवर्सल का अमाउंट नहीं बताएंगे या एलिजिबल का अमाउंट नहीं इनएलिजिबल का अमाउंट नहीं बताएंगे तो जो 2B से ऑटो पॉपुलेट हुआ है वो पूरा का पूरा नेट ITC में चला जाएगा, मतलब टेबल 4C अमाउंट में आएगा और वो ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट चला जाएगा. अब इस ITC में जो 2B से ऑटो पॉपुलेट हुआ है उसमें कुछ रिवर्सल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू GST प्रोविजन या इनएलिजिबल हो सकते हैं, तो आपको वो शो करना जरूरी है क्योंकि जब आपका असेसमेंट निकलेगा तो आपको असेसमेंट में तो ऑफिसर ये चीजें चेक करेगा कि आपने जितने भी ITC क्लेम किए हैं उसमें से कितने रिवर्सल थे, कितने इनएलिजिबल थे. और असेसमेंट के टाइम पे जब आप रिवर्सल और इनएलिजिबल अमाउंट ऑफ ITC में टैक्स जमा करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी लगेगी, पेनल्टी भी लगेगी. तो हर महीने ही आप ये एक्सरसाइज करें कि क्या रिवर्सल हो रहे हैं और कितना इनएलिजिबल क्रेडिट है एज पर GST Act.
इस सर्कुलर में बताया भी है कि आपको कौन कौन से सेक्शन का ध्यान देना है। जैसे अभी हमने देखा सेक्शन 42, 43, इनमें रिवर्सल की बात की जाती है। इनएलिजिबल क्रेडिट की बात करें तो सेक्शन 16 को आपको देखना है, 16 सबसेक्शन 4 को देखना है, उसमें इनएलिजिबल क्रेडिट की डेफिनेशन है। अगर आपके एग्जाम सप्लाईज भी है तो आपको प्रोपोर्शनेट करने हैं अपने कॉमन कॉमन जो इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज है उसको प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई करनी है और बाकी का आपको रिवर्सल करना है। तो देखते हैं हम आगे कैसे उन्हें बताया कि आपको आईटीसी से रिलेटेड क्या फॉलो करना है। इन दिस कंटेक्स्ट इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द फैसिलिटी ऑफ स्टैटिक मंथ वाइज ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 2B फॉर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम August 20. The statement provides invoice-wise total details of ITC available to the registered person, including the detail of ITC on account of import of goods. Further details of said statement are auto-populated in Table 4 of return in form GSTR 3B, which are editable in hands of registered person. जब आप Table 4 में auto-populated figures देखेंगे तो वो आप एडिट कर सकते हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू योर बुक्स एडिट करके सारे अमाउंट सही डालने हैं। इट मे बी नोटेड दैट एंटायर सेट ऑफ डेटा दैट इज अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B इज कैरीड टू टेबल 4 इन जीएसटीआर 3B एक्सेप्ट फॉर द डिटेल रिगार्डिंग आईटीसी दैट इज नॉट अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन। सही बात है, ये वाली जो बात उनने कही है एक्सेप्ट जीएसटीआर 2B में जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी की पूरी टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B में आ जाती है, पूरे के पूरे आईटीसी। पर जो इनएलिजिबल और जो रिवर्सल है वो नहीं आती, ऑटो पॉपुलेट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो हर रजिस्टर्ड पर्सन वाइज डिपेंड करता है कि आपके कितने इनएलिजिबल है, कितने रिवर्सल है। तो ये आपको खुद ढूंढना है, खुद असेसमेंट करना है और उसके बाद ये फिगर्स देना है, क्योंकि ये सारी चीजें किसमें डिपेंड करती है? ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड एज डिलाइनेटेड इन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, और वेयर द रिसिपिएंट ऑफ एन इंट्रा स्टेट सप्लाई इज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट देन दैट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है और जो गुड सप्लाई हो रहा है सर्विसेज वो दूसरे स्टेट में है और उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है तो आईटीसी क्लेम नहीं हो सकता, तो वो इनएलिजिबल आईटीसी है। तो उसका आपको ध्यान देना, ये आपको हर महीने ऑडिट में ही पता चलेगा। तो जो करेक्ट रिपोर्टिंग उनने बताई है वो बताइए, टोटल आईटीसी एलिजिबल एज वेल एज इनएलिजिबल इज बीइंग ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम स्टेटमेंट इन फ्रॉम 2B इन डिफरेंट फील्ड इन टेबल 4A ऑफ जीएसटीआर 3B एक्सेप्ट फॉर इनएलिजिबल आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ पीरियड। वही वो बात कर रहे हैं कि सिर्फ टोटल आईटीसी आता है, और अगर लिमिटेशन के वजह से अगर सप्लायर ने लेट रिटर्न फाइल किया और उसके कारण अगर आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो वो तो आपका इनएलिजिबल में डाल देगा। बट अगर 42 सेक्शन की वजह से इनएलिजिबल है या 43 से रिलेटेड है या 16 सबसेक्शन 4 में जितने इनएलिजिबल आईटीसी के अमाउंट बताए उसके कारण आईटीसी इनएलिजिबल है, तो ये सब आपको खुद से आइडेंटिफाई करके डालना है। इसके बाद सेक्शन रूल 38 में भी बताया रिवर्सल ऑफ क्रेडिट बाय अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रूल 42 के बारे में बताया रिवर्सल ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस। रूल 43 से रिलेटेड बताया रिवर्सल ऑन कैपिटल गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज। इन रूल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो विथ एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। And for reporting ineligible ITC of section 17 subsection 5, ये सारे आपके टेबल नंबर 4 के बी पार्ट में आएगा। रजिस्टर्ड पर्सन विल रिपोर्ट रिवर्सल ऑफ आईटीसी विच आर नॉट पर्टिनेंट इन नेचर एंड परमानेंट इन नेचर एंड कैन बी रिक्लेम्ड इन फ्यूचर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल रूल 37 में बताया गया है कि अगर आप सप्लायर को 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते तो वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। वो कब का क्लेम कर सकते? जब आप पेमेंट कर देंगे। तो ये क्या है? टेम्पररी रिवर्सल है, बाद में आपको क्लेम करना ही है। या फिर आपको इनवॉइस तो मिल गए बट गुड्स अभी नहीं मिले हैं, तो गुड्स नहीं मिलते हैं तो सेक्शन 16
सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग आपको आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते जब तक टैक्स इनवॉइस नहीं आए, जब तक आपके रिटर्न में नहीं दिखे, गुड्स रिसीव नहीं हो, तो आपको वो रिवर्स करना है। रिवर्स की क्यों बात आ रही है? क्योंकि 2B से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आईटीसी में और आपको उसके बाद उसको रिवर्सल में डालना है और फिर बाद में रिक्लेम करना है जब आपको गुड्स रिसीव हो जाए। तो ये इन सारे पर्टिकुलर सेक्शंस में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जब आप इन सारा ध्यान देंगे, रिवर्सल और इनएलिजिबल को प्रॉपरली बताएंगे, तो जो नेट आईटीसी है वो ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा जो कि एलिजिबल है प्रॉपर तरीके से। आईटीसी नॉट अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड एज डिलाइनेट इन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट और वेयर द रिसिपियंट ऑफ एन इंट्रा स्टेट सप्लाई इज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट देन दैट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई मे बी रिपोर्टेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन टेबल 4। सच डिटेल्स आर अवेलेबल इन टेबल 4 ऑफ GSTR 2B। इसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है ABC, मिसेस ABC, वो टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स में डील करते हैं। उनके एक स्पेसिफिक मंथ का डेटा बताया गया है April 2022 का। उनके पास टेबल 1 में जितने भी इनपुट्स हैं ये अवेलेबल हैं और ये सब ऑटो पॉपुलेट हुए हैं GSTR 2B से, जैसे ITC ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स IGST 100,000 है, ITC ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में IGST 50,000 है उनके पास, ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM 25,000, CGST एंड SGST 25,000 अवेलेबल है, ISD से उनके पास ITC जो मिला है वो IGST 50,000 है और अदर इनवर्ड सप्लाईज में IGST 2,00,000 है, CGST 1,50,000 है एंड SGST 1,50,000 है। तो टोटल जो उनके पास ITC अवेलेबल है वो IGST में 4,00,000 है, CGST में 1,75,000 है एंड SGST में 1,75,000 है। क्या ये पूरा का पूरा एलिजिबल है? तो इसके लिए कुछ फैक्ट्स बताए हैं कि इसमें कुछ रिवर्सल भी है और इनएलिजिबल भी है। तो देखते हैं अपन क्या क्या है। नोट 1 में बताया ऑफ द अदर इनवर्ड सप्लाई मेंशन इन रो 5, इसमें Messrs. ABC has received goods on which ITC is barred under section 17(5) of the CGST Act having integrated tax of 50,000. मतलब 50,000 तक का जो उनके पास IGST है वो ineligible है। In terms of rule 42-43, ABC is required to reverse ITC of 75,500 integrated tax, 52,000 CGST and 52,000 SGST. तो reversal कितना है? Rule 42-43 से related 75,500 for 52,000. वैसे further भी ABC के पास goods receive नहीं हुए हैं April में, but tax invoice तो auto populate होकर आया है, तो 10,000 के जो IGST है उसके रिगार्डिंग गुड्स नहीं मिले, तो ये भी रिवर्सल कैटेगरी में आएंगे। ABC को रिवर्स करना है ITC 500 रुपीस का, CGST 500, SGST ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37, दैट इज वेयर कंसिडरेशन वॉज नॉट पेड टू सप्लायर विद इन 180 डेज। एंड लास्ट में उनके पास है ITC 10,000 CGST एंड 10,000 SGST ineligible on account of limitation of time period as delineated in subsection 4 of section 16. तो ये जितने भी reversal और ineligible है ये कैसे शो होंगे? तो टेबल नंबर 2 में जो eligible ITC है उसके बाद ITC available wherein full or part, तो जो available है वो as it is यहाँ पर उठ के आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कितना है? 100,000 अवेलेबल था, ये 100,000 उठ के आ गया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में उनके पास ITC जो थे वो 50,000 है, यहां से 50,000 आ चुका है। इसके बाद उनके पास रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू उन्होंने कुछ टैक्स जमा किया था उसका भी इनपुट अवेलेबल है 25,000, तो वो भी ऑटो पॉपुलेट हो गया है। ISD से भी उनके पास कुछ इनपुट्स थे
तो 50,000 का वो भी ऑटो पॉपुलेट हो गया है। एंड लास्ट में आईटीसी ऑन अदर इनवर्ड सप्लाई 2 लाख, 1,50,000, 1,50,000 थे, तो ये भी एज इट इज आईटीसी अवेलेबल में आ गया है। ये ए पार्ट तो आईटीसी अवेलेबल का है, बी में आईटीसी रिवर्स एंड रिड्यूस बताना। तो रिवर्सल ऑफ आईटीसी एज पर रूल 42 एंड 43 कितना है? 1,25,000, क्योंकि नोट नंबर 2 में तो बताया है 75,500, 52, 52, तो ये तो आपके एज इट इज आ जाएगा रिवर्सल में। इसके बाद नोट 1 में इनएलिजिबल आईटीसी बताया आईजीएसटी में 50,000, तो 17,500 के तहत रिवर्सल होना है। तो ऐसे आपका जो रिवर्सल है वो आईजीएसटी का 1,25,500 है, सीजीएसटी का 52,000 है एंड एसजीएसटी का 52,000 है। इसके बाद जो रिवर्सल है आईजीएसटी का 10,000 वो भी है, क्योंकि गुड्स रिसीव नहीं हुए थे आईजीएसटी के, एंड इसके साथ साथ सप्लायर को 180 डेज के अंदर अंदर पे भी नहीं किया, तो वो अदर की कैटेगरी में आपको बताना है 500, 500। तो ये तो क्या है? रिवर्सल। रिवर्सल और इनएलिजिबल में फर्क है। इनएलिजिबल स्पेसिफिक सेक्शंस में बताया गया कि ये इनएलिजिबल है, ये आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, बट जो रिवर्सल है वो टेम्प्ररी भी हो सकते हैं कि कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद आपको वो आईटीसी क्लेम हो जाएगा। जैसे गुड्स मिल गए तो आप फिर से आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, आपने पे कर दिया सप्लायर को तो फिर से मिल सकते हैं, बट इनएलिजिबल तो आपको मिल ही नहीं सकते। तो इनएलिजिबल भी था जिसमें लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड के कारण आईटीसी नहीं मिलेगा, तो 10,000, 10,000। तो दिस इज हाउ टेबल नंबर 4 विल बी फिल्ड इन जीएसटीआर 3B। तो इसका ध्यान देना है, पार्ट बी और पार्ट डी ये इग्नोर होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, जिसमें आप धीरे धीरे करके जीएसटीआर 3B के जितने भी कॉलम्स है सब फिल्ड होने स्टार्ट हो गए हैं। अभी इससे वो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज और आईटीसी टोटल ये फिल होता था, कोई भी रिवर्सल और इनएलिजिबल में ध्यान नहीं देता था, बट अब प्रॉपर अकाउंटिंग भी चाहिए और ऑडिट भी होना, उसके बाद ही प्रॉपर तरीके से 3B फिल हो पाएगी। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसमें रूल्स में या कुछ आपको इनएलिजिबल रिवर्सल के रूल्स में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के आपको जरूर समझाऊंगी। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।